अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास पार्टीशन के बारे में मुकम्मल डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको। क्लास पार्टीशन मतलब कि जो डेंचर लगा हुआ है पेशेंट को ऑलरेडी और उसकी वायर क्लास टूट जाए तो वो दोबारा कैसे लगानी है, इसकी मुकम्मल डिटेल एंड से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक वो सारी इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले डेंचर को मॉडल से उतार लेना है, एहतियात से उतारना है। दांत जो मॉडल पे आया हुआ है वो ब्रेक ना हो, मॉडल किसी जगह से डैमेज ना हो, ये एहतियात से उतार के तो उसके बाद क्लैश पहले मार्क कर लेनी है कौन सी जगह पे बनानी है और उसके बाद क्लैश बना लेनी है। अच्छा, इसका ना क्लिनिकल प्रोसीजर जो है वो भी काफ़ी थोड़ा मुख्तलिफ होता है, वो मैं आगे जाके आपको सारी डिटेल बताता हूँ। इस तरह आपने क्लैश एरिया मार्क करके उसके बाद क्लैश पड़ाव कर लेनी है उस जगह पे। सी क्लैश साथ स्प्रिंग भी बनाया हुआ है, थोड़ा सा सी क्लैश बनानी है। क्लिनिकल प्रोसीजर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें जो पार्शियल डेंचर है ना वो मुंह में लगा के आपने इम्प्रेशन लेना है। इम्प्रेशन ले के मॉडल पे नहीं सीट करना, उस तरह वो सही तरह सीट नहीं होता ना मॉडल के ऊपर। इसका बेहतर हल है कि बेहतर हल नहीं बल्कि यही हल है प्रॉपर कि मुंह में लगा के क्लैश डेंचर मुंह में लगा के उसके बाद इम्प्रेशन लेना है और इम्प्रेशन के साथ डेंचर को बाहर निकाल लेना है, मतलब इम्प्रेशन के अंदर सीट करके डेंचर को और उसके बाद मॉडल फिल करना है। डेंचर की जो टिश्यू सरफेस है उस पर उसके ऊपर आपने कोई ना कोई स्प्रेटिंग मीडिया, ऑयल, वैसलीन, कोल्ड मोल्ड सील, कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगा लेनी है कि मॉडल के साथ चिपके ना डेंचर। वो उतारने में मसला होगा और उस उतारने से फिर डेंचर ब्रेक मॉडल ब्रेक हो जाता है उससे। ये आपने एहतियात लाजमी करनी है। अच्छा, एक बात आप नोट कर लें कि एडिशन का कोई भी प्रोसीजर है, मतलब क्लैश एडिशन है, टीथ एडिशन है पार्शियल डेंचर में या कास्ट पार्शियल डेंचर में या लेबियल वो आर्थो में एडिशन है, एडम क्लैश को एडिशन करना है, किसी किस्म का भी इस तरह का एडिशन है ना, तो उसमें इम्प्रेशन इसी तरह लेना है। वो भी जो भी है डेंचर है आर्थो है वो मुंह में लगा के इम्प्रेशन लेना है, उसी तरह मॉडल फिल करना है जिस तरह मैंने आपको बताया। एडिशन के सारे तरीकों में ऐसे ही करना है। क्लैश अब मान गई है तो क्लैश को दांत के ऊपर वैक्स के साथ सील कर लेना है। क्लैश को उतना एरिया सील करना है कि तो जो डेंचर एक्रेलिक के अंदर नहीं आना, मतलब रिटेंटिव आर्म जो है उसको सील नहीं करना, एक्टिव आर्म को सील कर लेना है दांत के ऊपर। अच्छी तरह सील करने के बाद मॉडल के ऊपर कोल्ड मोल्ड सील लगा लेनी है। क्लैश इस तरह की बनानी है कि क्लैश और मॉडल के बीच में स्पेस हो, क्लैश किसी जगह से भी ना मॉडल के साथ टच ना करे। यहाँ से टच करेगी मॉडल के साथ फिर उसकी वो एक्रेलिक के अंदर नहीं आएगी और जब एक्रेलिक के अंदर नहीं आएगी तो वो फिर किसी टाइम भी दोबारा से निकल सकती है या टूट सकती है। तो आपने मॉडल और क्लैश के बीच में स्पेस रखनी है यहाँ में जहाँ पर एक्रेलिक फ्लो कर जाए। जितने एरिया पे एक्रेलिक आना है उतने एरिया पे कोल्ड मोल्ड सील लगा लें और थोड़ी ड्राई होती है तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जो इसका है वो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि अब जो रिटेंटिव आर्म है क्लैश की जहाँ पे उसने आना है
वो उतनी उतनी जगह ट्रिम कर लेनी है, इतनी स्पेस बनानी है कि क्लैस्प जो है ना ना मॉडल के साथ टच करे और ना ही डेंचर के साथ टच करे। अगर डेंचर के साथ टच करेगी ऊपर से पुश करने से वो मॉडल पे बैठ जाएगी और इस तरह वो उस पर एक्रेलिक में सही तरह नहीं आएगी, तो इस बात का ख्याल रखना है। ये जो पुरानी क्लैस्प टूटी हुई है उसकी टेंटिव आर्मिस में टूटी हुई है वो निकाल लेनी है और डेंचर को अच्छी तरह ट्रिम कर लेना है, जितना भी वो जितने एरिए में क्लैस्प है स्पेस इतनी होनी चाहिए कि ना क्लैस्प मॉडल के साथ टच करे और ना ही डेंचर के साथ टच करे। बीच में जो फ्री स्पेस इतनी बना लेनी है उसमें क्लैस्प आनी है। अगर दोनों में से किसी से भी टच करेगी ना, अगर डेंचर के साथ टच कर ली है जब आपने ऊपर पुश करना है तो वो क्लैस्प मॉडल के ऊपर बैठ जाएगी और फिर एक्रेलिक के अंदर सही वो टाइट सही टेंटिव नहीं होगी एक्रेलिक के अंदर। तो लिहाजा ये बहुत ही कि जो क्लैस्प है वो फ्री स्पेस में आनी चाहिए, डेंचर और मॉडल के बीच में जो फ्री स्पेस है उसमें क्लैस्प आनी चाहिए। मॉडल पे सीट करके एक दफ़ा चेक कर लें, अगर कहीं से भी कुछ तो आपको लगता है कि टच हो रही है तो उस जगह से दोबारा ट्रिम कर लें, जहाँ से टच हो रही है उस जगह से दोबारा ट्रिम कर लें। एक दफ़ा डेंचर को मॉडल के ऊपर सीट करके प्रॉपर चेक कर लें कि क्लैस्प किसी जगह मॉडल या डेंचर के साथ टच तो नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो फिर और ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। अब गोल्ड क्योर पाउडर और लिक्विड मिक्स करके तो जहाँ से आपने डेंचर ट्रिम किया हुआ है उस जगह पे और क्लैस्प के भी अराउंड सारा फ्लो करवा लें, क्लैस्प के नीचे भी ऊपर भी और जहाँ पे आपने मॉडल ट्रिम किया हुआ है स्पेस बनाई हुई है उस जगह पे लगा के सारा, तो इसको अच्छी तरह ना मॉडल के ऊपर सील कर लेना है। मॉडल के ऊपर जो इम्प्रेशन आया हुआ है डेंचर का उसमें बिल्कुल भी उसके ऊपर प्रॉपरली सीट होना चाहिए, दोनों के अंदर कोई स्पेस या कोई आगे पीछे थोड़ा बहुत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह मॉडल पे पहले था जब आपने इम्प्रेशन लेके मॉडल पोर किया था जिस तरह पहले था वैसे ही डेंचर को दोबारा सीट होना चाहिए मॉडल के ऊपर। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा तो एक्रेलिक आगे पीछे फ्लो कर गया होगा तो वो उससे आपके मुंह में दोबारा लगने से मसला होगा, स्पॉट आ जाएगा या रिटेन दोबारा से वो लगेगा नहीं मुंह में, रिटेंशन का मसला होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने कि जो डेंचर है वो प्रॉपर अपनी जगह पे सीट करे जब आपने एक्रेलिक फिल करके तो ऊपर प्रेस करना है तो वो प्रॉपर अपनी जगह पे सीट करे, उसमें कोई भी किसी साइड पे भी गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखिए आपने डेंचर सीट हो गया इसके ऊपर, सारा चेक कर लें एक दफ़ा अच्छी तरह के डेंचर अपनी जगह पे सही सीट हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा एक्रेलिक जहाँ पे ज़रूरत है और लगा लें, जहाँ से एक्स्ट्रा है वो उतार लें, तो इसको आप सेट होने का इंतज़ार करें।
एक्रेलिक जब सेट हो जाए तो मॉडल से उठा के तो इसे फिनिश और पॉलिश कर लें। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।